कहानी सुनाते हैं रामायण से, और वह न्यू दिखा देगी दिखे रही सी सी हस्ती थी, उन विक्रम का भोग भोगे मारी थारी तो औकात भी क्या। सजनो भगवान रामचंद्र को तो वनवास हो जाता है और पुत्र वियोग में जैसे एक मृग की तृष्णा होती है वो चारों तरफ भटकता, महाराज दशरथ का भी यही हाल हुआ, चारों तरफ पागलों जैसा हाल हो गया। और फिर बैठ के विचार किया भाई तेरी गली सी क्यों बनी है। फिर बैठे बैठे वो वाक्य याद आया, कौशल्या रानी आई तो फूट करो पड़े नहीं बोले रानी तना न्यू बेरा ही दिन क्यों देखना पड़ा। हे महाराज क्यों देखना पड़ा है कि ये भी कर्मों का फल है। हे महाराज ये कौन से कर्मा का फल है, तो मेरी बात सुन। यहाँ राजा दशरथ ने बोला आज तक किसी के सामने मन ये बात साझा नहीं की, आज मैं तेरे से अपनी बात साझा करता हूँ। मन के कर्म करया, मेरा कौन सा कर्म बिगड़ा जिसका फल मन भोगना पड़ा। हे महाराज कौन सा था। यहाँ राजा दशरथ जिक्र करते क्या कहते, तेरे कदे कही ना के मरना होगा सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी कते कही ना कदे कही ना आज कहूं सू मेरे हुई कर्म की, हुई कर्म की आनी तड़प तड़प का मरना होगा रे सुन कौशल्या रानी। हे महाराज ऐसा क्यों है कि तू तो जानती है मैं रोजाना जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता हूँ, सरयू नदी के किनारे टहलने जाता हूँ। एक रोज मैंने क्या देखा, मैं जंगल से गुजरा, चारों तरफ जंगली जानवरों की हिंसक जंगली जानवरों की आवाज आती रही और नदी की तरफ से एक डुग डुग एक भयंकर किस्म की मन आवाज सुनाई थी। मन लगा कि किसी ना किसी हिंसक जानवर ने तेरे ऊपर घात लगाया कि, और सजनों दशरथ को ये हुनर था, दशरथ को ये ज्ञान था कि वो शब्द भेदी बाण चला दिया करता था, वो आवाज के ऊपर अपना निशाना छोड़ दिया करता था। ना मेरे को लगा कि किसी हिंसक जानवर ने तेरे ऊपर घात लगाया, कह तो तू आक्रमण कर ना वो जरूर करेगा। और रानी मेरा धोखा बन गया, मेरा निशाना चूक गया, क्यों कर चूक गया, क्या कह दिया। ये रोज की तरिया एक जन्म में भी, रोज की दरिया एक जन्म में भी, आया सरयू नदी किनारे शेर दहाड़े चीते बोले खतरा दिख सारे, मन सोचा कोई जंगली हाथी नदी में खड़ा फुकारे, जो मद मस्ती में घमंड करे क्यों ना बाण चला के रे मारे रे बाण चला के मारे। ओए मेरा निशाना न्यू चुकेगा, मेरा निशाना न्यू चुकेगा, पहले मैं कौन जानी तड़प तड़प के मरना होगा रे राड़ी रे सुनको सत्या रे कते कही ना रोज की तरिया एक दिन मैं भी गया सरयू नदी किनारे
शेर दहाड़े चित्ते बोलने मन खतरा दिखे सारे मने सोचा को जंगली हाथी रे नदी में खड़िया फुकारे यो मत मस्ती में घमंड करे क्यों ना बाण चला के मारे मेरा निशाना न्यू चुकगा पहले को न जानी तड़प तड़प का मरना होगा सुन को सल्या रानी हे महाराज क्या दसू क्या निशाना मन शब्द के ऊपर रानी बाण छोड़ दिया और वो बाण मेरा अंदाजा गलत लिखड़ गया वो कोई जंगली जानवर नहीं था और एक छोटा बच्चा था जो नदी से पानी भर रहा था अपने माता पिता के लिए मैंने बाण छोड़ गए और फिर मेरे कानों में जब हाय हाय की आवाज आई मैं आवाज की तरफ दौड़ा रानी मैंने के देखा शब्द के ऊपर बाण चलाया शब्द के ऊपर बाण चलाया सरवण ने घायल कर गया आए आए पड़ी मेरे कान में ध्यान चुकर दे फिर गया नदी किनारे बालक तड़फे देख मैं भी डर गया मेरे मात पिता ने पानी प्या दे वो इतनी कह के मेरी आंख में आंसू आंख में तू आंख में आंसू हाथ में तू लेके चला पानी तड़प तड़प मरना हो फिल्म तार राखी मने शब्द के ऊपर बाण चलाया सरवण ने घायल कर गया हाय हाय पड़ी मेरे कान में मेरा ध्यान चुगर दे फिर गया नदी किनारे बालक तड़फे देख कर मैं भी डर गया मेरे मात पिता ने पानी पिया दे वो इतनी कह कर मर गया मेरी आंख में आंसू हाथ में तुम्बी मैं लेकर चलिया पानी मैं पानी लेकर गया और उड़ जाकर देखा रानी मेरा त्योर पथरा गया मेरा कर्जा पट गया होता ऐसा नजारा था के था उड़ा पहुंचा दो अंधे उसकी माँ भी अंधी और उसका बाप भी अंधा जो इंतजारी में बैठे थे मेरे कदमों की हट सुनी प्यास से व्याकुल थे उसकी अंधी जम्मी चिल्लाई अरे बेटा तेरे को ज्ञान था सारी बातों का कि मेरे को इतनी प्यास लगी फिर भी तुमने इतनी बार लाई रानी मैं फूट कर रो पड़ा मैंने सारी बात बताई कि मैं श्रवण नहीं भाई इतनी सुन दे चिल्ला के सकल हाथ माच गया के कहानी बनी जननी करड़ी मरे त्यसाई मैं बोल्या मैं सरवण कोन्या सारी बात बताई अरे इतनी सुन के उन अंधा ने उड़ा हाहाकार मचाई रे हाहाकार मचाई वे बोले तू किसन जाने तड़प तड़प के मरना हो सुन को सल्या रानी रे सुन को सल्या रानी ओ रे ते ही ना ओ इ
भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है ओ यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेत पगे तो मिटले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम सजना वे बोले रे श्रवण बेटा क्यों इतनी देर लगाई तू जाने था तेरी अंधी जननी करड़ी मेरा इत्यासाई मैं बोलिया मैं श्रवण को नरी मन सारी ये बात बताई इतनी सुनकर उन ध्यान तो फिर हा हा कार मचाई न्यू बोले तू किसने जाम्या थी कौन वा मानस खानी ताज तड़फ तड़फ का मरना होगा सुन को सल्या रानी उन अंधो ने मेरे को श्राप दिया आज वो बात मेरे को याद आई कि ये वही बाणी सत्य हुई है जो उस दिन उन दुखियारों ने मेरे को श्राप दिया था आखिरी गली क्या कहा ओ पीर मरद ओ पीर मरद दोनों अंधे वीर मरद दोनों अंधे वीर मरद वीर मरद दोनों अंधे वीर मरद दोनों अंधे पता कौन मरा कष्ट हारेगा ईश्वर के घर देर कही वो ना अंधेर करेगा पुत्र वीर मैं रहे तड़फता काल यो प्राण हरेगा जिस तरिया हम रुलते फिरते नुए तू भी मरेगा रे नुए तू भी मरेगा विनोद शास्त्री